الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك ح واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لابي بكر तलिक बिना फजी ना हम फी सकीफी बनी साज तलाबा आज का जो बाब है बाब माजा आफिसफ़ यह की जमा है और सकीफा कहते हैं साया दार जगह को अलमकानमगल्ल ऐसी जगह जिसके ऊपर साइबान बना हो यानी साया किया गया हो उसको सकीफा कहा जाता है और जिसको आप कह सकते हैं चौपाल वगैरह जहाँ पर लोग इस तरह से कोई चीज़ बना करके ऊपर से यानी सायिबान नुमा और उसके नीचे लोग बैठते हैं इकट्ठा होते हैं जमा होते हैं उसको सकीफा कहा जाता है जिसको लोगों ने कहा है चौपाल जिसको हम लोग चौपाल कहते हैं या सकीफ़ा होता था जैसे घर होता था और घर के सामने जो रास्ता होता था उस रास्ते के किनारे यानी घर के किनारे लोग अपने घर के ऊपर से इस तरह से एक साइबान बना देते थे जिसके नीचे लोग बैठा करते थे इमाम बुखारी रहा का मकसद इस बाब से ये है कि इस तरह का यानी साइबान बनाना घर के किनारे घर के जो रास्ता रास्ते यानी रास्ता जो होता है और घर के किनारे से इस तरह साइबान बना करके उसके नीचे बैठना ये जायज़ है अगर गुजरने वालों को वहाँ से उनको तकली, तकलीफ़ ना हो उनको नुकसान ना उसे ज़रा ना पहुँचे तो फिर कोई भी आदमी इस तरह से घर के ऊपर यानी घर का जो किनारा है रास्ते के पास वहाँ पर अपने घर पर इस तरह से कोई साया साइबान साया, बना ले, जिसके नीचे बैठने वगैरह के लिए तो ऐसा जायज़ है और दलील यहाँ पर जो लाए हैं वजलासनबी सबूफ़ती बनीयदा कि शकीफ़ा बनाह बनोदा जो कबीला है इनका एक सकीफ़ा था चौपाल था जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे और उसकी नस्बत इनकी तरफ इसलिए की गई है बनोदा का सकीफ़ा ने सकीफ़ा बन सदा क्योंकि इस कबीले के लोग अनसार के लोग थे बनोदा ये लोग वहाँ पर बैठते थे इस वजह से उनकी तरफ इसकी नस्बत की गई है या इन लोगों ने उसको बनाया था इस वजह से उनकी तरफ इसकी नस्बत की गई है तो जो इस तरह का यानी चौपाल वगैरह होता है और अमूमी तौर पर सारे लोगों के नफ़ा के लिए उसको बनाया जा ताकि सारे लोग उससे फ़ायदा उठें वहाँ पर बैठें तो फिर ऐसी सूरत में किसी का भी उस साइबान में या उस चौपाल के पर बैठने में कोई हरज नहीं है जायज़ है यह जुल्म नहीं है अगर ये जुल्म होता या जायज़ नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ़ा बनो साहदा में नहीं बैठते और तो इमाम बुखारी का इस बाब को यहाँ पर ला करके यही बयान करना मकसद है कि इस तरह के जो शकाइफ होते हैं उसके नीचे बैठना जायज़ है ये नहीं है अगर जुल्म होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा सकीफ़ा बन वाहदा में नहीं बैठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चौपाल पर बैठते थे वो जो साहिबान था इसी तरह से आप आपके बाद सहाब कराम भी उसमें इकट्ठा होते थे वहाँ पर मीटिंग वगैरह किया करते थे वहाँ साहब कराम जमा होते थे जो इस बात की दलील है कि इस तरह के चौपाल का बनाना इसी तरह से उसमें बैठना तमाम लोगों का जायज़ है कोई हरज नहीं है इस बाब के तहत इमाम बुखारी रम्ला जो हदीस लाए हैं वो है يحيى बिन सुलेमान أبو سعيد الكوفي قال حدثني ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري قال حدثني مالك مالك يعني مالك بن أنس اليمام قال وأخبرني واسكت بعد تحويل سناده هنا بار وأخبرني يونس يونس عن ابن شهاب يعني يونس بن يزيد الأيلى يدونو روايات كرتين كون مالك

हैतुमर रदी अल्लाम से रवायत करते हुए बिन अब्बास ने फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह रब्लमिन ने नबी करीम सल वम को यानी अपने नबी मोहम्मद महमद्ल् वसलम को वफात दे दी और आपकी वफात हुई तो आप सल सल्हलम की वफात के बाद अनसार जो सहाबा थे वो सब के सब शकीफ़ा बनदा में बनदा का जो चौपाल था वहाँ पर इकट्ठा हुए जमा हुए किस लिए यानी कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के बाद खलीफ़ा कौन होगा तो वहाँ पर अंसार इकट्ठा हुए और उनकी राय थी बातें कर रहे थे मीटिंग कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा तो कुछ लोगों की राय थी कि आप अलैहि वसल्लम यानी जो खलीफा हो अंसार में से एक हो इसी तरह से और यानी महाज्रन में से एक खलीफा हो यानी एक खलीफा यानी इस तरह के लोग बातें कर रहे थे उसी दौरान हैतुमर रजी अल्लाह तु को जब ये पता चला कि इस तरह से अनसार या कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं जमा हैं तो उन्होंने यानी मामले की संगीनी को भाप लिया कि कहीं ऐसा ना हो उम्मत में इख्लाफ़ पैदा हो जाए खिलाफत के मसले को लेकर के इसलिए फ़ौर है तो बकर रजी अल्लाह तन के पास आए और उनको कहा कि आप हमारे साथ चलिए वही यहाँ पर जिक्र है इन नलार अज्तम उसीकीफ़ती बनी सायद फ़कुल तो हितुमर रजी अल्लाह कहते हैं मैंने कहा अबी बकरिन इन तलेब बिना आप हमारे साथ चलिए फ़जिना हम फ़ी सकीफ़ती बनी साहदा यानी जिनासार हम शकीफा बनु सायदा में अनसार के पास आए फिर यानी हितुमर रजी अल्लाह अबू बकर को लेकर के आए इस कहीं ऐसा ना हो उम्मत जो है दो फिरकों में या इस तरह मुख्तलि जमातों में बढ़ जाए और फिर इस तरह को पैदा हो जाए उम्मत के अंदर तो उस वक्त अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीर नहीं हुई थी लेकिन चूंकि उससे अहम मसला ये था कि कहीं उम्मत अफराक़ व का शिकार ना हो जाए इसलिए हैतु उमर रजी अल्लाह बहुत दूर अंदेश थे बकर रजी अल्लाह तनों को लेकर के आए और फिर वहाँ पर है तो बकर रजी अल्लाह तह ने जब अल्लाह के रसूल सल्हम की हदीत सुनाई अनसार यानी ये बात कर रहे थे कि कि मुहाजिर महाज्रन में से भी एक खलीफा हो अमीर हो इसी तरह से अंसार में से भी हमारा एक अमीर हो उस वक्त है तो वक्रद्लह तुन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई कि अलाम्मत बिन क्रैश अलाम्मत बिन क्रैश के जो इमा होंगे वो क्रैश में से होंगे उसके बाद जब साहब कराम ने जो अनसार वहाँ पर थे जमा थे सारे लोगों ने जब इस हदीस को सुना तो इस हदीस नबी करीम वसल्लम की इस हदीस के सामने सरे तस्लीम ख़म कर दिया और सब उसके बाद कि महाजरन ही में से यानी क्रैश ही में से गोया कि खलीफा होंगे खलफा होंगे तो उसके बाद हैतम रजी अल्लाह तनोंने अब्बर रजी अल्लाह तुन का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं इनके हाथ पर बयात करता हूँ फिर तमाम सहाब कराम ने अब्कर रजी अल्लाह तनों के हाथों पर बैत की इस इस तरह से जो यानी के मसला बहुत संगीन होने वाला था और ये था कि उम्मत कहीं अफ्तरा इंतशार का शिकार ना हो जाए ये दूर हो गया और सारे लोगों ने बैक वक्त वहाँ पर हैतुम हैतुम बकर रज़ी अल्लाह तह को अपना खलीफा मान लिया उनके हाथों पर बैत की तो उसी वाक़े को यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सहाब कराम रज़ील्ला तकीफा बनू सदा में इकट्ठा होते थे अगर इससे इमाम बुखारी का इस्तार इस तौर पर है कि अगर वहाँ पर उस चौपाल में बैठना लोगों के लिए जायज़ ना होता यानी मसलन किसी शख्स ने कोई चौपाल बनाया है या इस तरह साहिबान बनाया है और तमाम लोगों के लिए बनाया है तो उसमें लोगों का वहाँ पर उसके नीचे बैठना ये जायज़ है ये जुल्म नहीं है इसी तरह से इस तरह का साहिबान या इस तरह का चौपाल वगैरह बनाना ये जायज़ है घर के सामने अगर इस तरह से रा, रास्ता रास्ते में गुजरने वालों को इस तरह से अगर वहाँ पर जरर ना पहुँचे उनको नुकसान ना हो तो घर के किनारे इस तरह से साइबान बनाना वहाँ पर बैठने वगैरह के लिए लोगों के लिए तो और बकिया दूसरे लोगों का वहाँ बैठना जायज़ इसी तरह से इस तरह का साइबान या चौपाल बनाना ये जायज़ है ये जुल्म नहीं है क्योंकि अगर ये होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ़ा शकीफ़ा बनाहदा में नहीं बैठते और ना ही साहब कराम को इस इस पर बाकी रखते जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और अल्लाह के रसूल के बाद भी सहाब कराम उस चौपाल में बैठते थे उसके बाद जो बाब है हाँ शायद एक हदीस जो कल का जो बाब था बाब क़िस मकलूम इदा वजदा माला वाल्म ही इस बाब के तहत एक हदीस रह गई है تو اس حدیث کو بھی لیتے ہیں حدیث غلطی سے گئی امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليس ليس بن سعد إمام مشهور قال حدثني من يعني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني

कि आप अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से कहा आमिर ने और उनके साथियों ने कि आप हमें भेजते हैं यानी लोगों के पास या इसी तरह से कौमों के पास तो हम कभी कभार ऐसे लोगों के पास आते हैं ठहरते हैं लायक्रून जो हमारी ज़ियाफ़त नहीं करते हैं लायक्रून जो हमारी ज़ियाफ़त नहीं करते हैं तो हम उस वक्त तो 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 क्या करें फमा तराफ़ी ही आपकी इस में क्या राय है आप हमें इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं यानी हमारे लिए क्या जायज़ है क्या करें हम इन नज़ल तो आप सल्ला ने फरमाया इ नज़ल तुम बेमिन फ़मिर बीमा गैफ़लू यानी अगर तुम कुछ लोगों के पास ठहरो वहाँ पर आओ और तुम्हें हुक्म दिया जाए तुम्हारे लिए कहा जाए जो कि ज़ियाफ़त के लिए यानी बीमा यम बगीफ़ मेहमान के लिए जो एक मुनासिब मकदार या मुनासिब हक़ का हुक्म दिया जाए फ़लू जालिका मिन हम यानी इस चीज़ को तुम तो उनसे कबूल करो फिल्म य फ़लू फ़खुद मिन हम और अगर ऐसा ना करें वो तुम्हारी मेहमान नवाजी ना करें तुम्हारा हक तुम महना दें फ़ख मो तो यहाँ पर है फ़खुदू मिन हम बाज़र तुम्हें बाज़र फखु मिन हो फ़ुदु मिन हम हकैफ तो ज़ायफ यानी मेहमान का जो हक होता है वो हक तुम उनसे ले लो अब यहाँ पर देखा जाए फ़ू जो अमर का सेगा है तो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यहाँ पर ये अमर वजूब के लिए है यानी अगर वो हक नहीं देते हैं ज़ियाफ़त का जो हक है मेहमान का जो हक है अगर उसे अदा नहीं करते हैं तो गोया कि उनसे ज़बरदस्ती हक ले लिया जाएगा यहाँ पर इस मसले में उलमा की मुख्तफ आरा हैं यमांहमद बिन हम्बल रहमल्ला फरमाते हैं कि हक गैफ़ मेहमान का जो हक है ये मेहमान नमाज पर यानी जिसके यहाँ मेहमान ठहरता है उसके ऊपर वाजिब है और कहते हैं इसको ख़ास मानते हैं अहल बािया पर दून बस्ती और शहर के जो लोग हैं जो सहरा वगैरह में रहते हैं उनके लिए गोया कहते हैं कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना वाजिब है क्यों क्योंकि सिहरा वगैरह में चूंकि अगर कोई शख्स आता है तो अगर वहाँ के लोग उस शख्स की मेहमान नवाजी नहीं करते हैं जिसके यहाँ ठहरता है और मेहमान नवाजी नहीं करता है तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं है कि कहीं से जा करके कुछ हासिल कर सके या खा पी सके या रह सके कहीं पर लिहाजा ऐसे लोगों पर अहबादिया पर मेहमान की मेहमान नवाजी करना वाजिब है और अगर वो नहीं देते हैं तो उनका हक बनता है कि वो उनसे ले लें जबकि इमाम खलीफा इमाम मालिक और इमाम शाफी वगैरह इस जमूर की राय है कि अनदाली का कि ये क्या है है माजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत मददा है और इस हदीस को फिर इस हदीस का क्या जवाब देंगे ये लोग जो कहते हैं कि यानी मेहमान नवाजी करना ये वाजिब नहीं है बल्कि सन्नत मददा है तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेहमान नवाजी नहीं करते हैं या जो मेहमान का हक़ है उसको नहीं अदा करते हैं तो तुम उस उनसे अपना हक ले लो यानी मेहमान का जो हक होता है तुम उनसे ले लो और यहाँ पर अमर कैसेगा इस हदीस का जवाब क्या देंगे तो कहते हैं इस हदीस बाप की जो हदीस है इसका जवाब यह है कि इस हदीस को मज़र पर महमूल किया जाएगा जो शख्स मजबूर हो मुतर हो तो ऐसे मजबूर और परेशान हाल और मुजर लोगों की मेहमान नवाजी करना वाजिब है इसी तरह से इसे और कहते हैं कि यह हदीस जो है यानी जो आप भी दिया जाता है कि यह हदीस शुरू इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था कि जिस वक्त की लोग यानी परेशान परेशानी का वक्त था लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अगर कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान ठहरे तो उसके मेहमान नवाजी करना वह वाजिब है फिर जब यानी फतुहात हुए और लोगों के यहाँ खुशहाली आ गई तो फिर यह हुक्म हुआ कि मनसूख हो गया और किससे मनसूख हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व हु जायज़ा आपने कहा कि मेहमान का जो जायज़ा है किसी के यहाँ कोई मेहमान आए तो उसका जायज़ा क्या है एक दिन और एक रात यानी एक दिन और एक रात ए, उसकी वो मेहमान नवाजी करे और जायज़ा जो होता है ये एक तफगुल और क्या कह सकते हैं यानी एहसान होता है फजल होता है ना कि ये वाजिब होता है या फिर कहते हैं जवाब देते हैं जमहूर इस हदीस का कि इससे मुराद वो उमाल हैं या वो लोग हैं जिनको यमाम और हाकिम भेजता था लोगों के पास मसला सदक़ात वगैरह वसूल करने के लिए या किसी और काम के लिए ए, लोगों के पास यानी इमाम उनको भेजता था तो ऐसे लोगों की मेहमान नवाजी करना लोगों के ऊपर वाजिब होता था और अगर उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते हैं तो गोया कि वो हक उनसे अपना ले सकते हैं